अंतर्राष्ट्रीय किशन भावना संघ इस्कॉन मुरादाबाद द्वारा आशियाना स्थित मिनी कॉम्प्लेक्स पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इस्कॉन मुरादाबाद के प्रबंधक उज्जवल सुंदर दास द्वारा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि 17 अप्रैल 2022 रविवार को होने वाली श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा शोभा यात्रा के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें उज्जवल सुंदर दास द्वारा बताया गया कि यह रथ यात्रा मधुरम हेरिटेज निकट राधा कृष्ण मंदिर दिल्ली रोड से शुरू होगी। 10 बजे भगवान श्री कृष्ण बलराम का स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन होगा, 56 भोग लगेगा तथा भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की आरती की जाएगी। रथ यात्रा का शुभारंभ दोपहर 12 बजे से होगा। यह रथ यात्रा मधुरम हेरिटेज से चलकर लोकोशेड फवारा चौक महाराणा प्रताप पीलीकोठी पीएससी तराहा मधुबनी सेलटेक चौराहा होते हुए एमआईटी कॉलेज पर शाम 7:15 बजे संपन्न होगी। बैठक में इस्कॉन मुरादाबाद के प्रबंधक उज्जवल सुंदर दास के साथ साथ मोहित अग्रवाल सचिदानंद दास गौरव दास शिव कुमार दास रेवती दिव्या शांति देवी मिनी शर्मा अलका यादव आदि इस्कॉन भक्तों ने मीटिंग में प्रतिभाग किया। ये जो है कि प्रोग्राम काफी बड़े स्तर पर हम लोग कृष्ण बलराम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं आपके मुरादाबाद शहर में। बहुत बड़े स्तर पर यह रथ यात्रा पहली बार मुरादाबाद शहर में निकाला जा रहा है। वैसे तो हम लोग हर शहर में पूरे विश्व में ये निकालते हैं यात्रा ये, लेकिन मुरादाबाद में हम लोग पहली बार निकाल रहे हैं। और इस यात्रा में जो है कि अलग अलग झांकियाँ रहेंगी और कृष्ण बलराम स्वयं भगवान रहेंगे, रथ पर सवार रहेंगे और विदेशी भक्तों के द्वारा रॉक बैंड कीर्तन का आयोजन किया गया है। और कई सिटी से अलग अलग सिटी से भक्त लोग आ रहे हैं, गाजियाबाद लखवा रुद्रपुर बरेली कई सिटी से दिल्ली से कई जगह से भक्त लोग आ रहे हैं। और इसमें लगभग करीब करीब मान के चल रहे हैं कि लगभग 600 से 1000 लोग हमारे भक्त रहेंगे और बाकी पब्लिक तो मुझे पता नहीं पब्लिक कितनी यहाँ पर है मुरादाबाद शहर में आएगी। लेकिन मुरादाबाद सभी मुझे मैं सभी मुरादाबाद के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यात्रा में शामिल हों और भगवान की कृपा प्राप्त करें। बहुत ही बड़ा रथ यात्रा हो रहा है, भगवान स्वयं आपको दर्शन देने आ रहे हैं, आप दर्शन प्राप्त करें, भगवान का प्रसाद पाएँ और कीर्तन का आनंद लें। सब भक्त लोग मिलकर कीर्तन करेंगे और इस यात्रा का उद्देश्य जो है कि उद्देश्य यह है कि सबसे आपसी प्रेम भाईचारा और सौहार्द आपस में प्रेम हो सबसे। और ये कलयुग का युग धर्म है, युग धर्म का जो कि हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने जो संदेश दिया आज के 500 वर्ष पहले, उस संदेश को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और लोग जो है कि हरिनाम संकीर्तन से लोग जुड़ें, कौन से लोग जुड़ें, लोगों का जीवन जो है कि भगवान की भक्ति तरफ लोग जुड़ें क्योंकि समाज जो है कि धीरे धीरे ईश्वर विहीन होते जा रहा है। आज बहुत आवश्यकता है लोग धर्म से जुड़ें और इसके लिए हम लोग बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मुरादाबाद के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, साथ पाएँ और खूब जम के कीर्तन करें। तो ये यात्रा जो है मधुबन हेरिटेज से दिल्ली रोड से राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होगा और ये जो है कि पीलीकोठी होते हुए MIT कॉलेज तक हम लोग पहुँचेंगे। तो यात्रा जो है कि करीब 12 से 1 बजे के बीच में शुरू होगा। भगवान को 56 भोग करेंगे लगाया जाएगा और उसके बाद जो है कि MIT कॉलेज पर लगभग रात्रि 8 बजे हम लोग